बस्तर संभाग के हमने अभी तक दो जिले पढ़ चुके हैं। पहले चैप्टर में हमने देखा था सुकमा जिला, चैप्टर टू में हमने देखा था बीजापुर जिला। आज हम बस्तर संभाग का तीसरा मुख्य जिला पढ़ेंगे, वो है दंतेवाड़ा जिला। दंतेवाड़ा जिला पढ़ेंगे। तो दंतेवाड़ा जिला में हम लोग सबसे पहले टॉपिक वाइज देखेंगे स्थिति और उसकी स्थापना। ठीक, स्थिति और स्थापना। तो जो बस्तर संभाग का यह मध्य में स्थित जिला है, ठीक है, बस्तर संभाग के सबसे मध्य में स्थित जिला है। तीन ओर से ये जो जिले हैं जिनसे घिरा हुआ है वो है बस्तर जिला, सुकमा जिला और बीजापुर जिला। ये तीन जिलों से घिरा हुआ है दंतेवाड़ा जिला, जो कि तीनों तरफ से अन्य जिलों से घिरा हुआ है, इसलिए यह बस्तर संभाग का एकमात्र भू आवेशित जिला है। बस्तर जिला का एकमात्र भू आवेशित जिला। दंतेवाड़ा जिला का जो हम अगर छत्तीसगढ़ के मैप में देखेंगे तो ये हमारा छत्तीसगढ़ का मैप है और ये दंतेवाड़ा जिला का लोकेशन है। ठीक, ये है आपका बस्तर जिला, ये है सुकमा जिला और ये है बीजापुर जिला। ठीक, तो ये तीनों से अन्य जिलों से घिरा हुआ है। तो ये जिले की जो स्थिति है वो कैसी है, भू आवेशित है ना। तो ये जो जिला है ये कैसा जिला है, बस्तर संभाग का भू आवेशित जिला है। इसके बाद इसकी हम लोग स्थापना देखेंगे। स्थापना, इस जिला का निर्माण कब हुआ, 25 मई 1998 25 मई 1998 को ये जिला अस्तित्व में आया। इसके साथ छत्तीसगढ़ में टोटल 9 जिले बने थे, जिनमें से बस्तर संभाग में दो जिले बने, एक कांकेर जिला और एक दंतेवाड़ा जिला। तो जो कांकेर जिला है उसको उत्तर बस्तर कांकेर कहते हैं और दंतेवाड़ा जिला को दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा कहते हैं। तो ये दो जिले हमारे 25 मई 1998 को अस्तित्व में आए थे। टोटल छत्तीसगढ़ में 9 जिले अस्तित्व में आए थे, जिनमें से बस्तर संभाग के ये दो जिले कांकेर जिले और दंतेवाड़ा जिले। इसके बाद स्थापना देख ली हमने, तहसील देख ली। दंतेवाड़ा जिला में कुल 4 तहसील हैं। पहला है गीदम, दूसरा दंतेवाड़ा, तीसरा कुआकोंडा और चौथा कटे कल्याण। ठीक है, कुल चार तहसील हैं, गीदम, दंतेवाड़ा, कुआकोंडा और कटे कल्याण। ठीक, ये तहसील हो गया। इसके बाद देखेंगे इसकी भूगर्भिक बनावट, मतलब जमीन के अंदर इसकी स्थिति कैसी है। तो भूगर्भिक बनावट में दंतेवाड़ा जिला और जो बस्तर संभाग का जो जितने भी जिले हैं उनमें जो उनकी जो भूगर्भिक बनावट है वो धारवाड़, ग्रेनाइट और नीस, इन सभी चट्टानों से मिलकर बनी है। तो दंतेवाड़ा जिला में मुख्य रूप से धारवाड़ चट्टान पाया जाता है। भारवाड़ चट्टान से ही हमारा लौह अयस्क की प्राप्ति होती है, इसीलिए दंतेवाड़ा जिला छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक लौह उत्पादन में, मतलब जो दंतेवाड़ा जिला है सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन करता है। ठीक है, दंतेवाड़ा जिला। ये हो गई हमारी इसकी भूगर्भिक बनावट। खनिज में हमने मैंने बताया जैसे कि धारवाड़ सीरीज होती है, धारवाड़ चट्टान होती है, उसमें से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। तो दंतेवाड़ा का जो बैलाडीला क्षेत्र है, बैलाडीला की पहाड़ी, वो विश्व का सबसे बड़ा लौह अयस्क का निक्षेप है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सबसे पहले लौह अयस्क का उत्पादन भी यहीं से शुरू हुआ था, बैलाडीला की पहाड़ी से, जिसमें किरंदुल माइंस जो है सर्वप्रथम 1968 में लौह अयस्क का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था किरंदुल माइंस से। उसके बाद किरंदुल में 1968, बचेली में 1988,
पहला टीला में 1980 तीन जो किरण दूर बचे थे पहला टीला की माइंस है इस डेट पे यहाँ पे उत्पादन चालू हुआ था 68, 88 और 80। जैसा मैंने बताया विश्व का सबसे बड़ा लौह अयस्क का निक्षेप है, यहाँ से किरंदुल से जगदलपुर है ना, किरंदुल से जगदलपुर केके लाइन चलती है, केके लाइन ठीक, ये लाइन आगे विशाखापट्टनम तक जाती है, जहां से क्या होता है लौह अयस्क का ट्रांसपोर्ट होता है जो उसके बाद जापान जाता है शिप के जरिए। ये हमारा खनिज हो गया मुख्य खनिज, खनिज में और हम देखेंगे तो भूसा रस है ना, अन्य खनिज, ये तो हमारा हो गया लौह अयस्क मुख्य खनिज है दंतेवाड़ा जिला का, और दंतेवाड़ा जिला लौह अयस्क में छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान पर है, और अन्य खनिज में भूसा रस, भूसा रस में क्या मिलता है ग्रेनाइट, भूसा रस में क्या मिलता है ग्रेनाइट। उसके बाद मुख्य जो खनिज है दूसरा जो दंतेवाड़ा जिला का जो मुख्य खनिज है दूसरा वो है टीन है ना, जो कि कटे कल्याण क्षेत्र में मिलता है, कटे कल्याण ब्लॉक है इसी क्षेत्र में सर्वाधिक टीन, दंतेवाड़ा जिला में सर्वाधिक टीन मिलता है, और छत्तीसगढ़ में भी सर्वाधिक भंडारण कहाँ है टीन का तो दंतेवाड़ा जिला में, तो दोनों चीज हो गया लौह अयस्क का भंडारण में भी दंतेवाड़ा जिला और टीन अयस्क के भंडारण में भी दंतेवाड़ा जिला का कटे कल्याण ब्लॉक, इसे पीएससी पेपर में पूछा गया है कटे कल्याण मतलब टीम का जो सर्वाधिक भंडारण वाला क्षेत्र कौन सा है तो कटे कल्याण है ना, और मैंने सुकमा जिला भी बताया था आपको तो आप उस वीडियो पर जाके उसको देख सकते हैं। कटे कल्याण टीम वाला क्षेत्र हो गया, भूसा रस आपका ग्रेनाइट वाला क्षेत्र हो गया, और जो मुख्य जो खनिज है वो एक लौह अयस्क है और दूसरा टीम है, इसमें दोनों में दंतेवाड़ा जिला फर्स्ट मतलब प्रथम स्थान पर है। ये हो गया हमारे खनिज, खनिज के बाद हम लोग देखेंगे मृदा, तो मृदा में हमने क्योंकि यहाँ पे लौह अयस्क का भंडार है तो मिट्टी का रंग कैसा होगा लाल होगा, तो लाल होने के कारण ही यहाँ पे लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है, बस्तर संभाग में पूरी लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है ना, लाल बलुई मिट्टी में मैंने बताया था फसल क्या होगा, लाल बलुई मिट्टी होगी तो फसल में मोटे अनाज होंगे, तो मोटे अनाज में वही होंगे हमारे कोदो कुटकी मक्का बाजरा है ना, ये सब जो मोटे अनाज है ये सब किसमें होते हैं लाल बलुई मिट्टी के होते हैं, तो दंतेवाड़ा जिला प्लस उसके आसपास के जितने जिले हैं उसमें सब में मोटे अनाज होते हैं ठीक। फसल के बाद देखेंगे जनसंख्या ठीक, तो यहाँ की कुल जनसंख्या है 283,000 ठीक है, 283,000 जनसंख्या है कुल दंतेवाड़ा की। वन अगला टॉपिक है वन, तो वन में देखेंगे बस्तर जिला को हम लोग क्या बोलते हैं साल वनों का द्वीप बोलते हैं, तो बस्तर जिले में जितने भी 7 जिले हैं सभी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा वन पाया जाता है साल वन पाया जाता है, वैसे ही सरगुजा संभाग वहां पर भी क्या पाया जाता है साल वन पाया जाता है, लेकिन एरिया वाइज 7 जिले हैं बस्तर संभाग में तो सर्वाधिक साल वन कहाँ पाए जाते हैं तो बस्तर संभाग में पाए जाते हैं ठीक है, तो ये साल वनों का द्वीप हो गया। दंतेवाड़ा में भी कौन सा वन मिलता है साल वन मिलता है। उसके बाद देखेंगे नदी, मुख्य नदियां कौन कौन सी हैं और पर्वत कौन कौन से हैं, तो नदियों में हम देखेंगे सबसे पहले इंद्रावती नदी ठीक है, इंद्रावती नदी हमारा बस्तर जिला से बहते हुए ठीक है, लेकिन निकलने के लिए मुंगेर पर्वत उड़ीसा से निकलती है, कालाहांडी मतलब कालाहांडी आपका जिला है और मुंगेर पर्वत है, यहां से इंद्रावती नदी निकलती है और बस्तर जिले से होते हुए दंतेवाड़ा जिले में प्रवेश करती है, दंतेवाड़ा जिले में प्रवेश करते करते ये बासुर नामक स्थान पर है ना, बासुर नामक स्थान पर एक नदी से मतलब संगम है बासुर नदी पर ठीक है। तो कौन कौन सी नदियां, अन्य दो जो नदियां हैं वो मैं बता रहा हूँ, एक है आपकी संकरी नदी दूसरी है डंकरी नदी ठीक है, उनका उद्गम स्थल ये संकरी नदी है, संकरी नदी का उद्गम स्थल है बैलाडीला की पहाड़ी ना, बैलाडीला की जो पहाड़ी है उसकी जो सर्वोच्च चोटी है बैलाडीला की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है नंदीराज चोटी, बस्तर जिला में दंतेवाड़ा जिला बस्तर संभाग में दंतेवाड़ा जिला में बैलाडीला की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है नंदीराज चोटी जिसकी कुल हाइट है 1210 मीटर। सबसे पहली बात ये
1210 मीटर, इसकी कुल हाइट है 1210 मीटर, जो कि छत्तीसगढ़ की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, छत्तीसगढ़ की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। तो बस्तर संभाग की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नंदीराज चोटी, इसकी हाइट है 1210 मीटर, है ना। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा, अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है तो वो होगा गौरलाटा, है ना। और बस्तर संभाग की सर्वाधिक सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नंदीराज चोटी 1210 मीटर। बस्तर संभाग की सर्वाधिक मतलब सबसे ऊंची चोटी नंदीराज चोटी 1210 मीटर। इसी चोटी से संकनी नदी का उद्गम स्थल है, संकनी नदी का उद्गम स्थल है नंदीराज चोटी। संकनी नदी और डंगरी नदी का उद्गम स्थल है डांगरी डोंगरी की पहाड़ी, है ना। ये जो पहाड़ी है डांगरी डोंगरी, ठीक है ना, नाम लिख देता हूं मैं, डांगरी डोंगरी पहाड़ी का नाम है डांगरी डोंगरी, जहां से कौन सी नदी निकलती है, डंकिनी नदी निकलती है। डंकिनी नदी और संकिनी नदी, ये दोनों नदियां दंतेवाड़ा सिटी, है ना, दंतेवाड़ा शहर में मिलती हैं। जिस स्थान पे मिलती हैं वहां पे दंतेश्वरी मंदिर स्थित है, है ना। जिस पॉइंट पे ये मिलती हैं, जिस जगह पे ये मिलती हैं, वहां पे दंतेश्वरी मंदिर स्थित है, दंतेश्वरी मंदिर स्थित है। इसके बाद डंकिनी नदी की सहायक नदी है संकिनी नदी, है ना, ये डंकिनी नदी है, डंकिनी नदी की सहायक नदी कौन सी है, संकिनी नदी, ठीक। ये तुम्हारी दो मुख्य नदियां हैं। इसके बाद संकिनी नदी, क्योंकि ये बैलाडीला की पहाड़ी से निकलती है और यहाँ पे लौह अयस्क प्राप्त होता है, तो पर्वत से निकलने के कारण क्या होता है, पानी का रंग, पानी चट्टानों को काटते हुए नीचे आती है, तो उससे क्या होता है, पानी में लौह अयस्क के कण मिल जाते हैं, इसके कारण क्या होता है, पानी का रंग लाल हो जाता है। इसलिए संकिनी नदी को छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कही गई है ना, छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कहा गया है जिसको, संकिनी नदी को, है ना। रक्तविहीन नदी किसको कहा गया है, संकिनी नदी को, और सबसे प्रदूषित नदी, क्योंकि इसके पानी का रंग ऐसा होता है, लाल होता है। ये हो गया संकिनी नदी, ये हो गया डंकिनी नदी। आगे ये डंकिनी नदी कहां पे मिलेगी, बागदू पर मिलेगी, इंद्रावती नदी में बागदू में जाके मिल जाएगी। कौन सी नदी, डंकिनी नदी, बागदू नामक स्थान पर मिलती है, बागदू नामक स्थान पर इंद्रावती नदी में मिल जाती है। ये दो मुख्य नदियां, एक अन्य नदी है नंदीराज नदी, है ना, नंदीराज नदी है, इस नदी का नाम याद रखेंगे। बाकी जो दो मुख्य नदियां हैं संकिनी और डंकिनी नदी है। इसके बाद पर्वत मैंने बता दिया, पर्वत है बैलाडीला की पहाड़ी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदीराज चोटी, इसकी हाइट है 1210 मीटर, बस्तर संभाग की सबसे ऊंची चोटी है, और छत्तीसगढ़ के सेकंड नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। नदी हो गए, पर्वत हो गए, उसके बाद हम लोग देखेंगे सड़क, ठीक है। सड़क में दो नेशनल हाईवे यहां से गुजरते हैं, पहला नेशनल हाईवे है जगदलपुर से भैरवगढ़ होते हुए भोपाल पटना, जगदलपुर से भैरवगढ़ होते हुए भोपाल पटना, ठीक है, गीता होते हुए भैरवगढ़ होते हुए भोपाल पटना। नेशनल हाईवे नंबर है 63, नेशनल हाईवे नंबर है 63, ये है नेशनल हाईवे नंबर 63, जगदलपुर से भैरवगढ़, भैरवगढ़ से भोपाल पटना, बीच में पड़ेगा गीदम, ठीक। गीदम से दंतेवाड़ा, है ना, दूसरा नंबर का नेशनल हाईवे है ये, नेशनल हाईवे नंबर ये है 163A, नेशनल हाईवे नंबर 2, मतलब दंतेवाड़ा जिला का है दूसरे नंबर का, पहला नंबर का तुम्हारा नेशनल हाईवे नंबर 63, दूसरा नेशनल हाईवे नंबर 163A, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, मात्र 12 किलोमीटर इसकी लंबाई है, नेशनल हाईवे नंबर 163A, गीदम से दंतेवाड़ा शहर को जोड़ता है 163A। गीदम से दंतेवाड़ा जाते हैं तो बीच में दो जगह पड़ते हैं समलूर, है ना, समलूर में है आपका कारली महादेव मंदिर, ठीक है, कारली महादेव मंदिर
गामावाड़ा में है महापाषाणी स्मारक, तंबूर में है गार्गी महादेव मंदिर और गामावाड़ा में है महापाषाणी स्मारक, ये दोनों केंद्र संरक्षण सूची में शामिल है, मतलब भारतीय पुरातत्व विभाग के केंद्र संरक्षण की सूची में शामिल है। टोटल यहाँ पर 7 केंद्र संरक्षण सूची में जो शामिल स्थल है वो 7 टोटल, 2 है आपका समलूर और गामावाड़ा। समलूर में गार्ली महादेव मंदिर, गामावाड़ा में महापाषाणी स्मारक, उसके बाद जो बापुर है बापुर में 3 है, एक है चंद्रादित्य मंदिर, दूसरा है आपका मामा भाचम मंदिर और गणेश मंदिर। ठीक है, 3 है कौन कौन से, मामा भाचम मंदिर, गणेश मंदिर, गणेश मंदिर और चंद्रादित्य मंदिर, ये 3 हो गए। उसके बाद दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा में है दंतेश्वरी मंदिर, दंतेश्वरी मंदिर के साथ उसके अंदर की प्रतिमाएं, जितनी भी उसकी प्रतिमाएं है वो, और दंतेश्वरी मंदिर, ये 2। तो 2, 2, 4 और 3, 7 टोटल 7 केंद्र संरक्षण सूची में शामिल है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है ये। उसके बाद ये हमारा नेशनल हाईवे हो गया 63, ये हो गया नेशनल हाईवे हमारा 63 ये। इसके बाद आगे अगर हम लोग जाते हैं तो किरंदुल माइंस पड़ेगा, उसके बाद बचेली माइंस, फिर बैराडीला माइंस। तो किरंदुल माइंस मैंने बता दिया 1968, बचेली माइंस 1988, बैराडीला माइंस 1980, मतलब इसमें इसी सन में उत्पादन शुरू हुआ है। उसके बाद एक पहाड़ी और है जिसको बोलते हैं ढोलकर की पहाड़ी, है ना, जिला दंतेवाड़ा में है ढोलकर की पहाड़ी, जहाँ पे छिंदक नागवंशी गणेश की मूर्ति है, छिंदक नागवंशी काल की गणेश की मूर्ति है। ठीक है, पहाड़ी का आकार ढोलक के आकार का, इसलिए इसको ढोलकर की पहाड़ी कहते हैं, और उस पहाड़ी के ऊपर में गणेश भगवान की मूर्ति है जो कि छिंदक नागवंशी काल की है, ये याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्थापत्य में, मैंने बता दिया है मंदिर, ये 3 मंदिर बताए हैं, है ना, चंद्रादित्य मंदिर, मामा भाचा मंदिर, बत्तीसा मंदिर और बत्तीसा मंदिर, मामा भाचा मंदिर, चंद्रादित्य मंदिर। ठीक है, ये हो गया, और गणेश मंदिर। उसके बाद दंतेवाड़ा में है हमारा दंतेश्वरी मंदिर, इतने सारे मंदिर हैं जो कि स्थापत्य है। इतिहास, इतिहास हमारा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है दंतेवाड़ा जिला का इतिहास, तो इतिहास में हम लोग आगे देखेंगे कि दंतेवाड़ा शहर को किसने बसाया, है ना, दंतेवाड़ा शहर को किसने बसाया, किसने वहां पे मंदिर का निर्माण किया। तो सर्वप्रथम देखेंगे दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा का नाम दंतेश्वरी माता के नाम पर पड़ा है दंतेवाड़ा। ठीक है, उसके बाद दंतेवाड़ा शहर और जो मंदिर है वो काकतीय वंश के राजा अन्नमदेव, काकतीय वंश के राजा अन्नमदेव, है ना, दंतेवाड़ा शहर और दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण किसने कराया, काकतीय वंश, काकतीय वंश के राजा अन्नमदेव, काकतीय वंश के राजा अन्नमदेव। ठीक है, अन्नमदेव ने दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, काकतीय वंश की राजधानी मधुमता। ठीक है, तो दंतेवाड़ा जिले में 2 वंश का संबंध है, एक तो आपका छिंदकनाग वंश का है, उसके बाद काकतीय वंश का है। छिंदकनाग वंश पहले आते हैं और काकतीय वंश बाद में आते हैं, मतलब छिंदकनाग वंश को हराकर काकतीय वंश की स्थापना होती है। तो छिंदकनाग वंश की जो राजधानी है वो थी चक्रकोट या चित्रकोट या भ्रमरकोट, जो कि अभी वर्तमान समय में बस्तर जिले में है, उसको चित्रकोट कहा जाता है। ठीक, और दूसरी राजधानी उनकी थी बातूर। ठीक है, दूसरी राजधानी क्या थी, बातूर। बातूर में जो चंद्रादित्य मंदिर है ना, बातूर में जो चंद्रादित्य मंदिर है उसका निर्माण काकतीय वंश के, सॉरी छिंदक नाग वंश के राजा, है ना, छिंदक नाग वंश पहले आएगा, तो छिंदक नाग वंश के जो संस्थापक था उसका नाम था नृपति पुत्रण, नृपति पुत्रण, छिंदक वंश, छिंदक नाग वंश के राजा नृपति पुत्रण छिंदक नाग वंश का संस्थापक था। इसके बाद जो राजा आएगा वो आएगा 12 वर्ष
द्रिपदी भूषण का पुत्र 12 वर्ष, इसका जो सामंत था है ना, इसका जो सामंत था उसका नाम है चंद्रादित्य, ठीक है, चंद्रादित्य। इसी ने चंद्रादित्य मंदिर का निर्माण करवाया है ना, चंद्रादित्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, तो 12 वर्ष के 12 वर्ष के जो सामंत था चंद्रादित्य, इसने इसका निर्माण करवाया है। और वहां पे तालाब का भी निर्माण करवाया है, एक तालाब बनवाया है और एक तुम्हारा चंद्रादित्य मंदिर का निर्माण करवाया है, किसने, 12 वर्ष के सामंत चंद्रादित्य ने अपने नाम पर करवाया है। तो ये हो गया बासु। बासु से हमें छिंदक नागवंश, ठीक है, पहला राजा द्रिपति भूषण, दूसरा राजा 12 वर्ष, उसके बाद पांचवा राजा आएगा उसका नाम है सोमेश्वर द्वितीय, सोमेश्वर द्वितीय है ना, सोमेश्वर द्वितीय दूसरा राजा है। इसकी पत्नी का नाम था, सोमेश्वर देव की पत्नी का नाम था गंग महादेवी, सोमेश्वर द्वितीय की पत्नी का नाम गंग महादेवी। यहाँ गंग महादेवी का शिलालेख मिलता है कहाँ पे, बासु से। तो बासु से आप छिंदक नागवंश का संबंध है, 12 वर्ष का संबंध है, सोमेश्वर द्वितीय का संबंध है बासु से, उसके बाद दंतेवाड़ा से अंगमदेव का संबंध है क्योंकि उन्होंने दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। ये हो गया हमारा दंतेवाड़ा का इतिहास, ठीक है, इतना चीज हमको दंतेवाड़ा में जानना था इतिहास में। उसके बाद देखेंगे हम लोग औद्योगिक क्षेत्र, ठीक। तो दंतेवाड़ा जिला का औद्योगिक क्षेत्र जो है वो है दंतेवाड़ा के पास में टेकनार, दंतेवाड़ा जिला का औद्योगिक क्षेत्र है जो कि अभी प्रस्तावित है और विकास मतलब प्रस्तावित है, बन रहा है। तो दंतेवाड़ा जिला का औद्योगिक क्षेत्र टेकनार। उसके बाद उद्योग, पूरा जो दंतेवाड़ा जिला है, दंतेवाड़ा जिला में उद्योग है तो लाख का उद्योग चलता है, लाख, ठीक है, लाख उद्योग के लिए फेमस है ये दंतेवाड़ा जिला, लाख उद्योग और औद्योगिक क्षेत्र टेकनार। ये हो गया औद्योगिक क्षेत्र और उद्योग। इसके बाद शिक्षा, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है दंतेवाड़ा जिला के जावंगा, जगह का नाम है जावंगा, ठीक है, इसको एजुकेशन हब कहा जाता है ना, एजुकेशन हब कहा जाता है जावंगा को, क्योंकि सारी प्रकार की शिक्षाएं यहाँ पर दी जा रही है, जिसमें आदिवासी बच्चों को और जो नक्सल